हाँ तो मेरे भाइयों की हालचाल, आई विश आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों का रैंक पुश भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो अभी तक फिलहाल गाइस जिसने भी रैंक पुश नहीं किया है तो फटाफट कर लो, वरना अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो आप सीधा नेक्स्ट सीजन ट्राई करो गाइस। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा लेट हो चुका है, लेट थोड़ा नहीं बहुत लेट हो चुका है। और अब बात करते गाइस थोड़ा सा हमारे गेम प्ले की। तो ये वाला गेम प्ले गाइस सिल्वर लॉबी का है, तो हमने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा रश गेम प्ले आप लोगों को दिखाया जाए, बिकॉज कल वाले जो वीडियो में मैंने कॉन्करर लॉबी का गेम प्ले डाला था तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया था, बिकॉज मेरे किल 7 या 8 थे और मेरा टायर भी लो था, बट लॉबी कॉन्कर की थी इसलिए उसमें खेलना थोड़ा सा हार्ड था। तो मैंने सोचा कि चलो हमारे एक पार्टनर को लेते हैं, जो फिलहाल उनका भी आईडी जस्ट अभी बैन हुआ था और उसका भी रीजन यही था आई थिंक क्रैक वर्जन का। तो हम दोनों फिलहाल के लिए सिल्वर पे, बट हमने सोचा कि जब सिल्वर लॉबी है तो चलो मार मार के खेलेंगे। तो चलिए गाइस आते हैं हम अपने गेम प्ले में। अब यहाँ पर गाइस हम उतरे थे रोजोक में और यहाँ पर हमें एक बंदा दिखता है, और बेचारे इस बंदे ने आई थिंक हेडफोन्स नहीं पहने थे तो इससे मुझे तो मतलब इसको मेरे फुट का साउंड बिल्कुल नहीं आया और मैं इसके पीछे एकदम आराम से रुक गया। अब मैं जैसे गाइस इस वाले बंदे पे पुश करता हूँ, बट इससे पहले मुझे यहाँ से लाइक रोड की उस पार से बंदे शॉट दे रहे थे यूजी थे, तो उस बंदे ने मुझे अच्छा डैमेज भी दिया था। अब यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक देता हूँ और इसका सेकंड पार्टनर इतने में उसको रिवाइव देना आता है तो उसे भी मैं इजीली मार देते हैं। अब जैसे मैं सोचता हूं कि इन्हें लूटूं, बट पीछे से मुझे फायर का साउंड आता है तो मैं अपनी लूट कैंसिल करके सीधा इन पे पुश करने का ट्राई करता हूं। और यहां पर हीलर के हम गाइस थोड़ा सा इन पे पुश करते बंदों पे, बट गाइस ये जो बंदा है ना ये अब तक का सबसे भारी सांप था मुझे अब तक मिला है। आप सोचोगे नहीं लगे कहां सोया था, ये देखो ये लौंडा यहां पर ट्रिपल सूरी में ओपन सोया था जिसने डक्स को इजीली नॉक कर लिया लाइक मेरे टीममेट को। और मैं स्टार्टिंग में सोचता था कि लाइक ब्रोकन वॉल के पीछे होगा या तो ट्रिपल स्टोरी के ऊपर होगा, बट यहाँ पर इजीली सोया हुआ था। अब उस बंदे को मारने गाइस हम थोड़ा सा लूट करते थे कि इतने में हमारे सामने आती है एक डार्सिया, तो इन दो बंदों को भी गाइस हम एकदम इजीली मारने वाले। अब इस बंदे ने गाइस मेरे पे ध्यान नहीं दिया और मैंने भी इसको गाइस थोड़ा डैमेज दिया और मुझे लगा ये नॉक हो गया, तो ऐसे मैं स्प्रे कंटिन्यू नहीं करता हूँ। बट जैसे मुझे दिखता है कि स्प्रे कंटिन्यू नहीं हुआ है लाइक वो नॉक नहीं हुआ, तो वापस से हम एकदम इजीली मार लेंगे और फटाफट हम लूट लेते हैं। अब वहां से गाइस हम लूट के गाइस आ जाते हैं अपार्टमेंट, एक ऐसा जगह है गाइस जहां पर आपको रैंक पुश करो या आप नॉर्मल गेम प्ले खेलो आपको यहां पर बंदे मिलने वाले हैं, और रैंक पुश में तो आपको यहां पर 100% श्योर बोलता हूं कि यहां पर बंदे मिलेंगे। तो यहां पर गाइस वो बंदा यहां पर एक बंदा था जो हमें स्पॉट होने जाता था, हम उसे थोड़ा सर्च मतलब ढूंढ रहे थे कि लाइक वो बंदा है कहां पर, बिकॉज वो बंदा हमारे साउंड गाइस थोड़ा सा भाग गया था लाइक उसने हमारा जो अपार्टमेंट उसे चेंज कर लिया था। कितने में उस बंदे को मैं स्पॉट करता हूँ कि यहाँ पर मुझे उस बंदे ने अच्छा खासा डैमेज दे दिया, तो मैं यहाँ पर हील करने से पहले सोचता हूँ कि चलो वो बंदा थोड़ा सा ओपन में, तो उस पर एक नेड किया जाए और हमारा नेड एकदम परफेक्ट था गाइस, तो उस बंदे को हम इजीली लॉबी में पहुंचा देंगे और फटाफट यहाँ पर मैं हील भी कर लेता हूँ। अब वहां से गाइस हील करने के बाद हम वहां से निकलते हैं बंदों को ढूंढने के लिए कि इतने में रोजोक के जो हील है उस पर एक यूएसडी दिख जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती करता हूँ लाइक अंधा पुश का, मैं अकेला अंधा पुश करने वाला यहाँ पर, और ये दोनों बंदे गाइस मुझे मिलके अभी फिलहाल के लिए नॉक देने वाले हैं। और यहाँ पर इन दोनों ने मुझे नॉक दिया, बट मैंने इनको अच्छा खासा डैमेज दिया था तो दक्ष ने इनको थोड़ा बहुत गोली मारा और हमारे टीममेट ने इनको एकदम इजीली मार लिया। तो फटाफट मैं बोलता हूँ कि यहाँ से एक हाथा स्मोक डाल दे और फटाफट रिवाइव दे ताकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी होने के चांसेस ना हो। तो
फटक से गाइस मैं पहले तो यहाँ पर थोड़ा यूएस के कवर में आता हूँ ताकि हाँ कोई भी बंदा अगर कहीं से भी मारता है तो मुझे कवर रहे। अब ये मुझे रिवाइव दे देता है कि इतने में गाइस हमें हमारे जो रोजो के वहाँ से और मतलब लाइक गन्स का साउंड आता है वहाँ पर बंदे आ चुके थे कि इतने में हमारे जो टीममेट है वो एक बंदे को नॉक देने वाले और यहाँ पर मैं कॉल देंगे चलो फटाफट गाड़ी निकालते हैं। बट यहाँ पर हमारा टीममेट उसे फिनिश करने के कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट में था तो मैं उसे छोड़ के सीधा निकल जाता हूँ और यहाँ पर एक आधा बॉट भी आ चुका था तो हमारा टीममेट उसे मारता है। अब यहाँ पर मैं अपने टीममेट को साथ में लेके जाता नहीं हूँ तो मुझ पर थोड़ा सा स्प्रे स्प्रे लेता लाइक मेरे व्हीकल के टायर फूटता है तो मैं उसे पूछता हूँ कि अब मजाक मस्ती बंद करो और बंदे कहाँ पर तुम मार करो। तो मुझे कॉल देता है कि सामने वाले स्क्वाड में उसने एक नॉक किया तो मैं फटक से ये वाला स्क्वाड के थोड़ा सा पीछे आता हूँ ताकि मुझे एंगल मिल सके बिकॉज वो कह रहा था कि वो बंदे जो है स्क्वाड के पीछे रिवाइव होने रहेंगे। तो यहाँ पर मैं पीछे आता हूँ कि इतने मुझे दो बंदे ऊपर में दिख जाते हैं तो एक बंदे को तो मैं स्प्रे से एकदम इजीली नॉक देता हूँ और इसका जो सेकंड बंदा था जिसने अभी रिवाइव हुआ था वो भी यहाँ पर मुझे उसका हेड दिख जाता तो उसे भी एकदम इजीली मार दूंगा मैं। और यहाँ पर एक बॉट आ चुका था तो उसे भी हम मार के ये डो को भी हम क्लियर कर देंगे और रोजक भी यहाँ पर क्लियर हो चुका था। अब वहां से हम गाइस रोजक क्लियर करके थोड़ी सी लूट कंप्लीट करके यहाँ पर जोन के मिड में आते हैं बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा शॉट्स वगैरह का फायरिंग आ रहा था। अब यहाँ पर गाइस मुझे समझ नहीं आता कि लाइक ऊपर कैसे चढ़ा जाए बिकॉज रूम्स का फाइट गाइस हम बहुत कम लेते हैं लाइक रूम्स में एंट्री बहुत कम करते हैं बिकॉज रूम्स थोड़ा सा कैंपिंग वाला जगह है गाइस और वहाँ पर आपको बंदे ऐसे ऐसे जगह मिलने की क्या बताएं। इसके लिए गाइस पीछे से एक बंदे ने हम पे शॉट लिया तो फिलहाल के लिए उसे मैंने डैमेज दे दिया तो यहाँ पर मैं अंधा पुश कर देता हूँ और इसका जो पार्टनर था गाइस वो राइट साइड में ऊपर था तो उसे हमारे टीममेट एकदम ईजिली मार देंगे। अब यहाँ पर गाइस हमें छोड़ के बचे थे लास्ट चार बंदे तो मैं सोचता हूँ कि चलो अब वापस इस जोन का मिड पकड़ा जाए और ये जो ये वाला स्क्वाड था गाइस ये जोन के मिड में था तो मैं यहाँ पर बंदे होने ही चाहिए बट यहाँ पर लकीली कोई होता नहीं है तो फिलहाल के लिए हम यहीं पर होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर गए थोड़ा टाइम में होल्ड करने के बाद जो हमारे दो बंदे थे गाइस वो फाइट लेकर पता नहीं कैसे मर जाते हैं आई थिंक प्ले जोन से तो यहाँ पर मैं वाटर सिटी में आ जाता हूँ। मुझे लग रहा था कि लाइक जो लास्ट दो बंदे बचे वो यहीं पर कहीं कैंपिंग कर रहे होंगे आई थिंक वो यहीं पर कैंप करने का आइडिया आ गया। एकदम मिनट एक बंदा यहाँ से वाटर से आते मुझे दिख जाता है पीछे साइड से तो उसे मैं एकदम इजिली मार लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारी 2v1 फाइट थी और मुझे लग ही रहा था कि जो लास्ट बंदा को यहीं पर कैंप भी कर रहा होगा तो उसे मैं फिलहाल के लिए ढूंढता हूँ लाइक मैं यहाँ पर हमारा जो बिग हाउस है उसके ऊपर आता हूँ और यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि लाइक वो बंदा कहीं पर कैंप कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा एंगल एंगल मिल जाए या फिर उसका कम से कम स्पॉट तो हो जाए वो। बट वो भाई पता नहीं एकदम हार्ड कैंप करते हैं तो मुझे फिलहाल के लिए स्पॉट होता नहीं है तो यहाँ पर मैं जोन जाना का ट्राई करता हूँ कि चलो जोन में एंटर करता हूँ कि लाइक वो बंदा तो स्पॉट हो नहीं रहा है। कितने में मुझे पीछे से एक साउंड आता गाइस किसी बंदे के फुट का तो मैं फटाक से पीछे आता हूँ और इतने में बंदा मुझे ऊपर दिख जाता है तो इससे मैं एकदम इजीली मार लेंगे और यहाँ पर मेरे 13 किल हो चुके थे तो यहाँ पर मेरे टीममेट की मिला के आई थिंक 27 किल्स थे हमारे। और तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय।